चैनल ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आज हम करेंगे कंट्रीज और उनके नेशनल एम्बलम्स, बहुत भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। यार आपको मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको सारी कंट्रीज के नेशनल एम्बलम्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। इंडिया का नेशनल एम्बलम कौन सा है? लाइंड कैपिटल। देखिए ये तो सबको याद हो गई, ठीक है ना, इसके बारे में मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया की लाइन कैपिटल वो है ना, जो चार शेर वाला मूवी है ना, जो अशोका के पिलर से लिया गया है वो वाला, ये तो सभी को याद ही होगा, इंडिया का लाइन कैपिटल। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का नेशनल एम्बलम कौन सा है? गोल्डन रोड। नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। इसका क्या है? गोल्डन रोड। इसको कैसे याद करना? देखिए अमेरिका, अमेरिका में कौन सा वर्ड आ रहा है? अमीर, ठीक है। कौन सा वर्ड आ रहा है? अमीर। देखिए अमीर लोगों के पास गोल्ड ज्यादा होता है, क्या होता है उनके पास? गोल्ड ज्यादा। अमीरों के पास गोल्ड ज्यादा, तो इसकी क्या हुई? गोल्डन रोड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास तीन कंट्रीज है, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन तीनों का नेशनल एम्बलम सेम है, वो क्या है? लाइन, ठीक है। इसको कैसे याद करना? देखिए नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में कौन सा वर्ड आ रहा है? नीदर, नीदर इनके निडर, ठीक है, निडर याद रखना है। निडर शेर में क्या होता है? निडर होता है, और इसके वर्ड में नाम में क्या है? निडर। निडर कौन होता है? शेर, ठीक है। नेक्स्ट बेल्जियम, बेल्जियम से देखिए क्या है? बैल। इसमें क्या सा वर्ड है? बैल। बैल भी देखो पावरफुल एनिमल है, शक्तिशाली एनिमल है, और लाइन भी, ठीक है। निडर भी एनिमल हो गया लाइन, ठीक है। बैल के साथ एक एनिमल रिलेटेड और कर लो, पावरफुल है ये भी और लाइन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका। देखिए श्रीलंका से हमें क्या आता है? श्रीलंका से हमें याद आता है रावण, है ना। श्रीलंका का राजा रावण, राजा रावण है ना, श्रीलंका का राजा रावण था। अभी जंगल का राजा कौन होता है? लायन। श्रीलंका का राजा रावण और जंगल का राजा लायन, याद हो गया ना। नेक्स्ट आगे क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड का नेशनल एम्बलम है शाम रोक। इसको कैसे याद करना है? देखिए आयरलैंड, आयरलैंड से क्या टोन निकल रही है? आयरन लैंड, आयरन लैंड। तो इसको कैसे करना है? आयरन की लैंड पे शाम रोक, सेम रोक, क्या टोन बनानी है इससे? सेम रोक भी, आयरन की लैंड पर क्या है? सेम तरह के रॉक्स पड़े हैं, आयरन की लैंड पे सेम तरह के रॉक्स, आयरलैंड शामरॉक। गाइस हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान एंड तुर्की, ठीक है। ये दो कंट्रीज हैं जिनका नेशनल एम्बलम सेम है, और वो क्या है? क्रेसेंट, चांद तारा, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? देखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में मोस्टली क्या है? मुस्लिम रहते हैं, है ना, मुस्लिम लोग यहाँ वहाँ पे ज्यादा है। और मुस्लिम लोग हैं जो, वो अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं? ज्यादातर चांद को देखकर, है ना, वो अपने ईद वगैरह जो भी है ना, उनके त्यौहार होते हैं मुस्लिम लोगों के, वो क्या है? ज्यादा चांद को देखकर मनाते हैं। तो याद हो जाएगा ना, पाकिस्तान का चांद तारा क्रेसेंट, ठीक है। और इसको कैसे याद करना है? देखिए तुर्की, तुर्की से क्या टोन निकली है? दूर की, तुर्की दूर की निकल रही है ना, तुर्की से दूर की, ठीक है, दूर की। हमारे से दूर क्या है? चांद तारे, चांद तारे हमसे बहुत दूर है ना, तो तुर्की दूर की, चांद तारे हमसे क्या है? दूर, क्रेसेंट, ठीक है। क्रेसेंट क्या है? चांद तारे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है जर्मनी, जर्मनी का कौन सा एम्बलम है? कॉर्नफ्लावर। इसको कैसे याद रखना है? देखिए कॉर्नफ्लावर, इसको याद करेंगे क्या, क्या सोचना है हमने भी, कॉर्न के फ्लावर्स में क्या है? जर्म्स लगे हुए हैं, जर्म्स लगे हुए हैं किस पे? कॉर्न के फ्लावर पे जर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है, याद हो गया ना, कॉर्न के फ्लावर पे जर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है, जर्मनी कॉर्नफ्लावर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीन कंट्रीज हमारी ऐसी हैं, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड ईरान। इन तीनों का नेशनल एम्बलम कौन सा है? रोज, ठीक है। इसको कैसे याद करें? देखिए हमको इसके एक कहानी बनानी है, मतलब ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है एक कंट्री है। ब्रिटेन के किंग, किंगडम में क्या रहा है? किंग। ईरान में क्या है? रान। रान से क्या याद रखना है हमने? रानी, ठीक है। ब्रिटेन के किंग ने अपनी रानी को क्या दिया? रोज। ब्रिटेन के किंग ने रानी को क्या दिया? रोज, याद हो गया ना। ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम किंग ने रानी को क्या दिया? रोज। तो याद हो गया ना, तीन कंट्रीज का नेशनल एम्बलम एक साथ में रोज, इजी था ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या है? तीन कंट्रीज है, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश। इन तीनों का नेशनल एम्बलम आपस में मिलता जुलता है। देखिए इटली का कौन सा है? व्हाइट लिली। फ्रांस का लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली। इसको क्या है हमने एक ट्रिक से याद करना है, वो क्या ट्रिक क्या है? देखिए हमने ये देखना है कि दो बंदे हैं कोई भी, वो आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखना है? देखिए इटली,
इटली से कौन सी टोन आ रही है? इडली जैसी टोन आ रही है ना। तो एक बंदा दूसरे से पूछ रहा है, तूने इडली ले ली, लीली से ले ली, तूने इडली ले ली, इडली कौन से कलर की होती है देखिए, व्हाइट। तो दूसरे से क्या पूछ रहा है एक बंदा कि तूने इडली ले ली, ठीक है, लीली ले ली और व्हाइट कलर की इडली होती है, ठीक है। तो याद हो गया ना इडली का व्हाइट लीली। तो बंदा कह रहा है कि हाँ मेरी इडली ले ली। तो वो दोबारा से पूछता है, जो पहला बंदा होता है वो पूछता है कि तूने फ्रेश वाली ली, ठीक है, फ्रांस से, फ्रेश, फ्रांस से क्या टोन आ रही है, फ्रेश जैसी। वो पूछा है तूने फ्रेश ले ली, फ्रेश वाली इडली ले ली ना, ठीक है, इडली व्हाइट कलर की होती है, उसने क्या ले ली? वो कह रहा है हाँ मैंने फ्रेश ले ली, ठीक है। फिर वो कह रहा है मैंने फ्रेश इडली तो ले ली, चलो अब तू मेरे लिए बांग ला। क्या ला? बांग ला, बांग पता है ना। तो कह रहा है बांग ला, ठीक है, बांग्लादेश में क्या बन रहा है ना, बांग ला। तो वो कह रहा है इडली तो मैंने खा ली, अब तू मेरे लिए बांग ला। वो कह रहा है, दूसरा बंदा भी कह रहा है तू बांग मत पी, तू वोटर ले, वोटर ले ले, ठीक है, तू बांग मत पी, वोटर ले ले, ठीक है। वो दूसरा बंदा कह रहा है तू बांग नहीं ले, वोटर पी ले, ठीक है, वोटर ली ली बांग्लादेश। हो गया, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नेशनल एम्बलम कौन सा है? कीवी, ठीक है। इसको कैसे हल करना देखिए, न्यू, ठीक है, अगर मैं क्यू, कीवी है, ठीक है, इसके आगे क्यू लिख दूं, न्यू क्यू, न्यू क्यू, न्यू क्यू, एक जैसी टोन आ रही है ना, न्यू क्यू, क्यू कीवी, ठीक है, कीवी क्यू कीवी, एक जैसी टोन आ रही है, न्यू क्यू, क्यू से कीवी, ऐसे याद रखना है, ठीक है, न्यूजीलैंड का कीवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डेनमार्क। डेनमार्क का नेशनल एम्बलम कौन सा है? बीच। बीच क्या होता है हमारा? समंदर, ठीक है। डेनमार्क को अगर हमें लिखिए, ऐसे लिखा जाएगा, देखिए डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क है। डेनमार्क में कौन सा वर्ड आ रहा है? नमक। कौन सा वर्ड आ रहा है? नमक, ठीक है। तो नमक हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र में से, ठीक है, बीच में से, ठीक है, नमक। डेनमार्क में कौन सा वर्ड है? नमक। नमक कहाँ से मिलता है हमें? बीच में से, याद हो गया ना, डेनमार्क का बीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एम्बलम कौन सा है? किंगारू, ठीक है, ठीक है, इजी होता है ना फ्रेंड्स, याद हो गया आप सबको। आई होप आपको मेरी सारी वीडियो और सारी कंट्रीज के नेशनल एम्बलम्स याद हो गए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। तो मिलते रहेंगे गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।